हेलो नमस्कार दोस्तों, 10 जुलाई 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ। आज हम चार आर्टिकल बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। एक व्हाट्सएप से रिलेटेड एक आर्टिकल है जो कि हम सैटरडे को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। सबसे पहले जो आज आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं ड्रग एंड पंजाब गवर्नमेंट का जो इशू चल रहा है उसके बारे में। देखो, आप एक को एक चीज़ का जैसे पता होगा, नीचलों में बता देता हूँ कि हमारे देश में पंजाब जो स्टेट है वहाँ पे ड्रग्स की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि ड्रग्स एडिक्शन के मामले ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली पाकिस्तान का बॉर्डर टच होता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मगलिंग वगैरह होती है ड्रग वगैरह की। इसलिए ड्रग एडिक्शन के मामले में पंजाब यहाँ पे नंबर वन पे आ जाता है। हर साल मतलब जब भी चुनाव होते हैं 5 साल में, तो हर बार चुनावी मुद्दा बनाया जाता है ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए, और ड्रग एब्यूज़ को वहाँ पे छोटी बड़ी चीज़ है वो नहीं है। ये तो है बेसिकली यहाँ का कंटेक्स्ट। अब बात देखो, कुछ तो पॉलिटिकल पॉइंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम केवल यहाँ पे ड्रग्स से क्या क्या सॉल्यूशंस वगैरह हैं वो देखेंगे हम यहाँ पे। अब ये है कि जब लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुए थे तो उस दौरान पंजाब के दौरान जब अमरिंदर सिंह की सरकार आई थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम जब गवर्नमेंट सत्ता में आएगी तो हम भाई ड्रग्स वगैरह कुछ चीज़ों को ख़त्म करेंगे, बहुत से स्टेप वगैरह उठाएंगे। तो उसी को लेकर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं कि ड्रग्स वगैरह क्या क्या सोल्यूशन वगैरह हैं ड्रग एब्यूज़ वगैरह के लिए। देखो, राइटर ये कह रहे हैं कि हमें लॉ या कानून बना के कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, हमें लोगों के जो भावनाएं हैं, लोगों के इमोशंस हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनकी तरफ कदम उठाना होगा। मतलब हमें रीज़न आइडेंटिफाई करने होंगे कि भाई लोग ड्रग एडिक्शन की तरफ क्यों जा रहे हैं, हमें उन्हें रोकना होगा। हम ऐसे रो नहीं रोक सकते कि हाँ भाई आज से कोई शराब नहीं पिएगा, आज से कोई ये नहीं करेगा। इस तरीके से बैन लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और इसका हमारे देश में डेमोक्रेसी होने के नाते काफ़ी ज़्यादा लोग इसका अपोज भी करेंगे। तो इसके द्वारा राइटर कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। सबसे पहले राइटर ये कह रहे हैं कि देखो, पंजाब गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली क्या किया, स्पेशल टास्क फोर्स बनाई, और उस स्पेशल टास्क फोर्स के रेस्पे जहाँ से भी ड्रग के रैकेट चल रहे थे उनको पकड़ा, जो भी सरगना थे उन सबको अरेस्ट किया। तो एक जो चैन होती है ना, देखो ड्रग्स में क्या होती है, चैन होती है, एक आदमी सप्लाई है वो दूसरे को करता है, फिर दूसरा आदमी धीरे धीरे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देते, चैन के मतलब प्रोसीजर बन जाती है ऐसे, फिर उनके नीचे कस्टमर वो जुड़े रहते हैं। अगर इस चैन को हम ब्रेक कर दें, इसमें जहाँ से सप्लाई हो रही है उस वाले एरिया को हम अगर यहाँ पे क्लोज कर दें तो फिर आगे सप्लाई ही रुक जाएगी। तो वही बात यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि जो ड्रग्स चैन सप्लाई हो रही थी उसको रोकने के लिए काफ़ी सारे स्टेप अभी उठाए हैं, और भी ज़्यादा स्टेप उठाने के भी जरूरत है। इसके बाद में बात ये की जा रही है कि देखो, ड्रग्स का जो मामला है वो छोटा मामला नहीं, काफ़ी बड़ा मामला है, और इसके लिए जो अहम भूमिका आप कह सकते हो कानून वगैरह की बजाय, वो सबसे ज़्यादा भूमिका होती है वो होती है लोकल अथॉरिटी की। कि जब तक लोकल अथॉरिटी और लोकल प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से काम नहीं करेगा, क्योंकि देखो लोकल प्रशासन के पास सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि इस एरिया में कौन तो ड्रग्स लेता है, ड्रग्स कहाँ से आती है। वो अलग बात है कि वो पैसों की आड़ में या करप्शन के चक्कर में वो ऐसे काम उन लोगों को अरेस्ट नहीं करते हैं, बाकी लोकल अथॉरिटी के पास सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो इसलिए लोकल अथॉरिटी को ज़्यादा सजग रहना होगा, और लोकल अथॉरिटी को काफ़ी सारे अच्छे कदम उठाने होंगे, उसकी हेल्प से ही हम इस चैन सिस्टम को यहाँ पे रोक सकते हैं। इसके बाद में राइटर ये कह रहे हैं कि देखो, स्टेट गवर्नमेंट ने एक्ट भी बनाया था पंजाब में ताकि ड्रग्स के साथ जो भी लोग ड्रग्स की चैन में घुसे हुए हैं उनको एक्चुअली यहाँ पे सप्लाई वगैरह करते अगर पाए जाते हैं तो उनको फांसी की सजा देने की बात है वो की गई थी, मतलब मृत्युदंड की बात यहाँ पे की गई थी। तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो, हमारे देश में ऐसे कानून पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे अगर आप कानून बनाओगे तो सॉल्यूशंस नहीं है। जिस तरीके से रेप केस के मामले में भी ऐसे कानून बनाने की बात आई थी तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया था कि इस तरीके से आप जिस भी आरोपी ने ऐसे क्राइम किया अगर आप उसको मारोगे तो मारने से कोई सोल्यूशन ही नहीं करने वाला। हमें उसके रीजन आइडेंटिफाई करने होंगे कि भाई सोसाइटी में ऐसा गलत हो क्यों रहा है, उन रीजन को आइडेंटिफाई कर लोगों के अंदर से हमें भावनाएं हैं वो चेंज करनी होंगी, उसके लिए हमें स्टेप उठाने होंगे, ना कि सजा मौत की सजा देने से कोई सोल्यूशन यहाँ पर नहीं निकल रहा है। फिर यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि देखो, पंजाब गवर्नमेंट अभी ये स्टेप उठा रही है कि जो भी वहाँ पे स्टेट एम्प्लॉय है ना उनसे शुरुआत की जा रही है वहाँ पे। किस तरीके से, कि पहले स्टेट एम्प्लॉय को देखा जा रहा है कि वो ड्रग्स में कितने घुसे हुए हैं, मतलब पहले है कि अपने खुद के अंदर झांक के देख रहे हैं गवर्नमेंट की भाई हमारे अंदर क्या हाल चाल है। जब एम्प्लॉय ही साफ एवं नीट एंड क्लीन रहेंगे तो करप्शन धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। तो इस दिशा में कदम उठाने का उनका स्टेप काफ़ी अच्छा है कि पहले स्टेट के एम्प्लॉय हैं उन्हीं को वेरीफाई किया जा रहा है कि भाई वो ड्रग्स एडिक्शन में या ड्रग्स के मामलों में घुसे हुए हैं या नहीं है। इसके बाद में बात की जा रही है कि हमें उन रीजन को आइडेंटिफाई करना होगा कि लोग ड्रग्स का सेवन क्यों करते हैं। देखो, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि कुछ फैमिली रीजंस के ऐसे हो जाते हैं, कई बार लोग होते हैं वो गरीबी के कारण कुछ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को इस तरह की भ्रांतियां हो जाती हैं। इसके साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट भी एक अहम रीजन हो जाता है, कई बार इन्फॉर्मेशन ढंग से कलेक्ट नहीं होती है, और कई बार क्या होता है जब ड्रग मेडिसिन होती हैं उनका ओवरडोज लेना शुरू हो जाता है और उसके फलस्वरूप ड्रग्स की एडिक्शन है वो हो जाती है। तो यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि देखो, हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है आज के टाइम में हमारे देश में, उसको हमें कवर करने के लिए जो रीजन है उनको
आइडेंटिफाई करना होगा, इसके साथ ही उनको उचित डायरेक्शन, उनको वॉलेंट्री तौर पे ऑर्गेनाइज जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह हैं उनकी हेल्प से उनको अवेयर करवाना होगा, इसके साथ ही उनको टाइम टू टाइम काउंसिल वगैरह वो प्रोवाइड करवानी होगी, और लोकल अथॉरिटी और लोकल पीपल या उनके जो फ्रेंड सर्किल हैं उनकी हेल्प से उनका जो इश्यूज़ हैं उनको दूर करना होगा, ताकि ड्रग्स के जो मामले हैं उनको कम किया जा सके। इसके बाद में राइटर बता रहे हैं कि देखो उन जो भी ड्रग के एडिक्टर हो गए, मतलब जो लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं, उनके लिए हमें कंफर्ट जोन तैयार करना होगा, मतलब उनको ऐसा लगे कि हाँ भाई सोसाइटी हमारे साथ है, हमारे अलग थलग नहीं है, उनको अंदर से इमोशंस को चेंज करते हुए हमें उनको आगे लेके आना होगा, ताकि उन्हें फील हो कि हाँ यार वो अकेले नहीं है, हाँ यार वो बहुत पीछे नहीं रह गए, क्योंकि कई बार क्या कि इंसान काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उस कंडीशन में वो ड्रग्स एडिक्शन की तरफ चला जाता है। तो उन रीजन को आइडेंटिफाई करके हमें कंफर्ट जोन देना होगा उन लोगों को, तभी हम इस समस्या का समाधान है वो जड़ से खत्म कर सकते हैं। लास्ट में देखो वे फोर्ड में एक बात की जाती है कि सारे काम बिल्कुल सही है, सबसे अहम बात वो है अवेयरनेस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। जब तक प्रशासन में रिफॉर्म नहीं आएंगे, प्रशासन के अंदर करप्शन जैसी चीज़ें खत्म नहीं होंगी, यहाँ पे धुंधलेबाजी नहीं खत्म होगी, तब तक कोई भी रिफॉर्म या कोई भी एक्शन या कोई भी कानून काम नहीं आएगा। तो हमें जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें रिफॉर्म लाने होंगे, तब भी एक अच्छा सोल्यूशन यहाँ पे उभर के सामने आएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में। देखो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए HRD की एक कमेटी थी जिसका नाम है अशोक मेहता कमेटी। तो ये आपको कमेटी एक ध्यान रखनी है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे प्रीलिम के लिए एक फैक्ट बन जाता है। इसके बाद में बात की जा रही है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, देखो इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों हमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी चाहिए, आपको पता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई क्यों जा रही है, सबसे पहले तो वो देखना है हमें, तो थोड़ा बैकग्राउंड हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो आपको पता है कि CBSE काफ़ी बड़े बड़े एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जैसे कि JEE की एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है, इसके साथ ही जो नीट की एग्जाम है वो भी CBSE है वो ही कंडक्ट है वो करवाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई बार क्या कि CBSE पे काफ़ी प्रेशर हो जाता है कि यार एक तो उनको स्टेट सॉरी जो उनको सेंट्रल बोर्ड की जो एग्ज़ाम है वो भी कंडक्ट करवानी होती है, 10th की 12th की 9th की सारी, वो भी उनके ऊपर बर्डन हो जाता है। इसके साथ देखा जाए तो ऊपर से उनको JEE और जो ये आप बोल सकते हो कि एंट्रेंस एग्जाम है ये भी उनको कंडक्ट करवानी होती हैं, तो काफ़ी सारा उन पर प्रेशर होता है। तो उसकी वजह से कई बार क्या है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक जैसे कुछ ना कुछ इश्यू जैसे इस साल हुआ थे वो मामले सामने आते हैं। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इस बार ये डिसाइड किया बजट में कि भाई हम एक अलग से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बना देते हैं। इस बॉडी का काम क्या होगा, इस एजेंसी का काम ये होगा कि ये इन गवर्नमेंट के जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं ना, जैसे कि नीट और JEE का ये एग्जाम है कंडक्ट करवाएगी एक साल में 2 बार। इसे बेनिफिट क्या होगा, एक तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और एक इसके ऊपर खुद ही ऊपरी दबाव रहेगा कि हाँ यार इसी की जिम्मेदारी है किसी को टेस्ट कंडक्ट करवाने हैं, तो ये केवल पर्टिकुलर और केवल टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए काम करेगी, तो इसमें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी वो बनी रहेगी और पेपर लीक जैसी घटनाएं हैं वो सामने नहीं आएंगी। इसलिए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो बनाने की बात है वो की गई थी, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो लोगों का फेथ है वो बनाए बरकरार रखने के लिए और जो भी अकाउंटेबिलिटी एग्जाम के लिए उसको बनाए रखने के लिए, इसके साथ ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता है वो बनी रहे, इन सब कामों के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इसका निर्माण है वो किया गया था। फिर यहाँ पे राइटर कुछ पॉइंट बता रहे हैं कि देखो जो टैलेंट है ना वो एक्चुअली हमारे देश में काफ़ी है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, रूरल एरिया में देखा जाए तो टैलेंट भरा हुआ है कूट कूट के, बट फिर भी दिक्कत क्या है कि वो टैलेंट सामने नहीं उभर के आ पाता है, क्यों, कई बार तो उनको प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होते हैं। देखो रूरल एरिया में सबसे बड़ा इश्यू रहता है वो रहता है अवेयरनेस का, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती है, उनको पता ही नहीं होता कि ऐसे से कुछ भी स्टेप हैं। जैसे कि आप खेल के मामले में देखते हो टैलेंट है बहुत, गाँव में टैलेंट भरा पड़ा है खेलों के मामले में हर एरिया में, बट फिर भी लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए जिन लोगों को पता चलता है वो सामने टैलेंट सामने आ जाता है, बाकी टैलेंट है वो टिल एंड तक हिडन ही यहाँ पे रह जाता है। तो राइटर कह रहे हैं कि देखो हमें एक टैलेंट का माहौल है वो जनरेट करना होगा, हमें रूरल एरिया के अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज स्टार्ट करनी होंगी, लोगों को अवेयर जैसे करने के प्रोग्राम है वो स्टार्ट करने होंगे। जब हम लोगों को अवेयर करेंगे ऐसे प्रोग्राम चलाएंगे तो उनका बेनिफिट हमें ये होगा कि लोग धीरे धीरे टैलेंट की तरफ अग्रसर होंगे और जो रियल टैलेंट है वो सामने उभर के आएगा और उससे हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी और हमारे देश की प्रतिष्ठा है वो भी आगे बढ़ेगी। इसके बाद में राइटर ये कह रहे हैं कि देखो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तो बना दी गई है कि एक साल में 2 बार होगी टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाए जाएंगे नीट और JEE के, बट यहाँ पे एक बात की जा रही है वो की जा रही है कोचिंग वगैरह को रेगुलेट करने के लिए। आज के टाइम पर आप देख सकते हो किस तरीके से हमारे देश में कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो बन चुके हैं, एक तरीके से उन्होंने बड़ा बड़ा बिजनेस है वो स्टार्ट कर रखा है। इवन आज के टाइम पर कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो पढ़ाई कम और बिजनेस के तौर पर काम ज़्यादा काम करते हैं, हर बार वो कुछ ना कुछ ऐसे अट्रैक्टिव कुछ ना कुछ नई नई स्कीम्स लेके आते रहते हैं ताकि बच्चों को डरा के, जिस तरीके से हमारे देश में धर्म के नाम पर लोगों को डरा के काम करवाया जाता है उसी तरीके से आज के टाइम पर जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं ये लोगों को डरा रही हैं और एक तरीके से कहीं ना कहीं अपना जो बिजनेस है उसको लगातार प्रमोट कर रही हैं। तो ऐसे माहौल में दिक्कत क्या हो रही है, जो लोग गरीब हैं या जो लोग कोचिंग वगैरह को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक मेंटेबिलिटी हो जाती है कि यार हम तो सिलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे किसी एग्जाम में क्योंकि हमारे पास तो कोचिंग वगैरह की नहीं है, हमारे पास इतना पैसा है नहीं, तो हम क्या करेंगे। तो राइटर कह रहे हैं कि देखो जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना इनको हमें रेगुलेट करना होगा, सबसे अहम बात ही हो जाती है क्योंकि
जब कोचिंग इंस्टीट्यूट को हम रेगुलेट कर लेंगे, गवर्नमेंट सभी को इक्वल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा देगी, यहाँ पे जो लोग गरीब हैं उनको अफोर्डेबल चीज़ें वो प्रोवाइड करवा देगी, तो फिर एक इक्वलिटी का माहौल बन जाएगा और तो फिर जो क्या होगा हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो ढंग से परफॉर्म कर पाएगी। क्योंकि आज के टाइम पे काफ़ी जो शहरों में जो लोग रहते हैं वो क्या है कोचिंग वगैरह की हेल्प से काफ़ी जल्दी बेनिफिट उनको मिल जाता है, जबकि रूरल एरिया में कोचिंग वगैरह का काफ़ी अभाव रहता है, तो ऐसे माहौल में रूरल एरिया की यूथ है वो पीछे रह जाती है। फिर राइटर कह रहे हैं कि कोचिंग का डर है वो लोगों के मन से दूर करना होगा, इसके साथ ही आज के टाइम जो ट्यूशन का बिजनेस है उसको भी हमें कहीं ना कहीं लगाम लगाना होगा, क्योंकि आज के टाइम में जो टीचर्स हैं वो स्कूल में पढ़ाने के बजाय आजकल टाइम में ट्यूशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं बच्चों पे, तो इससे क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में डिवाइडेशन का सिस्टम वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और गरीब और अमीर के बीच की भी खाई बढ़ती है, क्योंकि जो गरीब स्टूडेंट है वो यहाँ पे ट्यूशन वगैरह नहीं ले पाते हैं इसलिए वो हमेशा पिछड़े ही रह जाते हैं। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप उठाने होंगे, जो भी पॉलिसी वगैरह इंप्लीमेंट की जा रही है उनमें जो कमी है उनको दूर करना होगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे यहाँ पे जो मैंने आपको बता दिए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो आया है यूएसए और नॉर्थ कोरिया। बेसिकली यूएसए और नॉर्थ कोरिया के बारे में हम नहीं कह सकते, ये ऑल ओवर वर्ल्ड की सिचुएशन के बारे में बताया गया इस आर्टिकल में। काफ़ी अच्छे पॉइंट है इस आर्टिकल के, काफ़ी सारे डायमेंशन यहाँ पे दिए गए हैं, ये उन सारे वर्ल्ड के अंदर भी क्या हो रहा है, कहाँ क्या घटित हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले बात की जा रही है यूएसए और नॉर्थ कोरिया की, कि भाई यूएसए और नॉर्थ कोरिया के बीच में भी शांति बनाने की बात थी, पर दोनों के बीच में काफ़ी असंदिग्धताएं वो सामने आके उभर के आ रही हैं। एक तरीके से जो बुश के टाइम पर जो बात कही गई थी कि एक्सिस ऑफ ईविल, मतलब तीन कंट्रियों को एक्सिस ऑफ ईविल की दर्जा दिया गया था कि भाई वो कंट्रियाँ वो ईविल या दुश्मन के समान है। तीन कंट्रियाँ कौन कौन सी थी, वो थी ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया को दर्जा दिया गया था जॉर्ज बुश के द्वारा, जो कि यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति थे। इसके बाद में राइटर ये बता रहे हैं कि देखो आज के टाइम पे यूएसए है उसका कुछ फिक्स नहीं है, ट्रंप की पॉलिसी आपको पता है कि हवा बदलने से पहले ही चेंज हो जाती है। बात कीजिए रसिया और यूएसए की, तो रसिया और यूएसए की पॉलिसी तो हमेशा काउंटरशिप में रही है, कि यूएसए की पॉलिसी आपको पता है कि कैपिटलिज्म को प्रमोट करती है, तो रसिया की जो पॉलिसी है वो सेकुलरिज्म के साथ साथ जो आप बोल सकते हो कि समाजवाद को या सोशलिस्ट को ज़्यादा प्रमोट है वो करती है। मतलब दोनों की पॉलिसी कहीं ना कहीं अपोज हो रहती है और दोनों के बीच में टकरार है वो हमेशा बनी हुई रहती है। इसके बाद में बात की जा रही है अफगानिस्तान का एंगल। अफगानिस्तान की बात ही की गई है कि देखो अफगानिस्तान में तालिबान है वो लगातार वहाँ पे अपने कदम बढ़ाते जा रहे हैं, यूएसए ने काफ़ी कोशिश की है बट फिर भी यूएसए को इतनी सफलता नहीं मिली है जितनी चाहिए थी। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है तो वो कहीं ना कहीं सभी कंट्रीज़ के लिए नुकसान है, क्योंकि टेररिज्म तो सभी कंट्रीज़ के लिए नुकसान रहेगा और मानवता के लिए भी खतरा हुआ बना हुआ रहेगा। इसके बाद में बात की जा रही है कि सीरिया का, कि भाई सीरिया के अंदर सिविल वार चल रहा है, वहाँ पे किस तरीके से मिडिल ईस्ट के अंदर हालात ख़राब हो रखे हैं, लोगों को वहाँ पे खाने के लिए प्रॉपर फूड भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे माहौल में आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात यहाँ पे सीधी कैसे ह्यूमैनिटेरियन की बात आप यहाँ पे क्राइसिस की बात कर सकते हो, लोगों को खाना वगैरह कुछ भी यहाँ पे एजुकेशन वगैरह तो दूर की बात है, उनको बेसिक चीज़ें यहाँ पे नहीं मिल पा रही हैं। इसके बाद में बात की जा रही है कि जो मिडिल ईस्ट की बात की जा रही है फिर से, कि इसराइल है उसमें आपको पता है कि उसकी कैपिटल है वो यहाँ पे तल अवी से शिफ्ट करके भी जेरूसलम बना दी गई थी, तो उस चीज़ को लेके भी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें काफ़ी बड़ा विरोध है और इस वाले एरिया में और ज़्यादा एक तरीके से आप बोल दो कि अस्थिरता बनी हुई है। मतलब यहाँ पे जो राइटर हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो आज के टाइम पे पूरे विश्व के हालात कैसे हैं, मतलब पूरे विश्व में कहीं भी शांति नहीं है, सब जगह अस्थिरता है, आपस में लड़ाई जैसा माहौल बना हुआ है। फिर बात की जा रही है यूरोप की, यूरोप के अंदर आप देख सकते हो कि अभी ब्रिटेन है वो यूरोप अभी ब्रिटेन है वो अभी यू से एग्जिट हो गया था यूरोपियन यूनियन से, तो उसके दौरान भी वहाँ पे खींचाखानी है, तनातनी चल रही है। इसके बाद देखा जाए तो स्पेन हुआ, फ्रांस हुआ, उसके बीच में भी पॉलिटिकल क्राइसिस है, पॉलिटिकल माहौल है वो ठीक नहीं है। मतलब यूरोप के अंदर भी पॉलिटिकल माहौल है वो ऊपर नीचे हो रखा है, तल्खी आ रही है रिलेशन में आपस में, तो ये भी कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के लिए ठीक नहीं है। इसके बाद में बात यहाँ पे की जा रही है चाइना की, कि देखो भाई चाइना में जो ऑटोक्रेटिक रूल है वो लगातार यहाँ पे बना हुआ है। देखा जाए तो चाइना के जो मेड इन चाइना जो प्रोग्राम है वो 2035 तक उसको सक्सेसफुल करने के लिए चाइना लगातार अग्रसर कर रहा है और चाइना हर किसी भी कदम या किसी भी स्टेप तक अपने कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मतलब देखा जाए तो चाइना की प्रेजेंस है वो अफ्रीका में भी लगातार बढ़ती जा रही है, यूरोप में भी बढ़ती जा रही है, साउथ अमेरिका में भी लगातार चाइना की प्रेजेंस है वो बढ़ती जा रही है। इसके साथ देखा जाए तो साउथ ईस्ट जो एशिया है उसमें भी चाइना अपनी प्रेजेंस लगातार बढ़ाते हुए जा रहा है। तो मतलब चाइना अपनी जो पॉलिसी है, अपने जो आइडिया हैं उनको लगातार फैलाता हुआ यहाँ पे सामने आ रहा है। इसके बाद में बात की जा रही है कि देखो टर्की है कि उसमें किस तरीके से टर्की ने डेमोक्रेसी का एक तरीके से मजाक बना दिया है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगन साहब, उनका ये कहना है कि देखो मैं एक तरीके से डेमोक्रेसी को और ज़्यादा प्रमोट कर रहा हूँ, बट उन्होंने अपोजिशन के जो लीडर्स वगैरह हैं उन सबको जेल में डाल रखा है एक तरीके से, मतलब पूरी मानवता को उन्होंने शर्मसार कर रखा है, डेमोक्रेसी के नाम पर उन्होंने कलंक सा लगा दिया है। इसके बाद में बात की जा रही है कि इंडिया की, कि देखो भाई इंडिया के अंदर भी माहौल कुछ वैसा नहीं है।
एक तरीके से देखो कुछ पॉलिटिकल पॉइंट है, खैर आप उनका एग्जाम में तो यूज़ नहीं कर सकते, बट यहाँ पे जो बताया गया है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये बताया गया कि अपोजिशन है वो भी ठीक ढंग से काम नहीं करी है। अपोजिशन का काम ये होता है कि गवर्नमेंट की जो कमियाँ रह गई हैं उनको एक्चुअली सामने लेके आना और उनके लिए स्टेप उठाना। बट आज के टाइम पे अपोजिशन है उसका हालात ऐसा हो गया कि सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करना, चाहे चीज़ सही हो या गलत हो वो चीज़ देख ही नहीं रही है, हमेशा क्रिटिसाइज के एंगल से काम को देखा जा रहा है। तो अपोजिशन भी अपने काम से कहीं ना कहीं भाग रहा है। इसके साथ ही बात की जा रही है कि जो रिसेंट गवर्नमेंट बीजेपी है इसके पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, इसके बावजूद भी वो प्रॉपर ढंग से पार्लियामेंट के सेशन है वो भी कंडक्ट नहीं करवा पाए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आ रही है कि डेमोक्रेसी के लिए जो कुछ होने चाहिए था उस लेवल तक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, ये यहाँ पे पॉइंट सामने दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पे बातें बताई गई हैं इंडिया और यूएसए की, कि देखो इंडिया और यूएसए के रिलेशन है उसमें 2+2 डायलॉग की बात की जा रही है, कि उसमें काफ़ी असंदिग्धताएं भी बरकरार है। यूएसए कुछ पॉलिसी में इंडिया के साथ है, कुछ में इंडिया के विरोध में है। साथ कहाँ कहाँ पे है? अफगानिस्तान के अंदर शांति के लिए यूएसए इंडिया के साथ है, चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए वो इंडिया के साथ है। इंडिया के अपोजिशन में कहाँ कहाँ पे है? एक तो ईरान के न्यूक्लियर डील के मामले में इंडिया के अपोजिशन में है, दूसरा है वो है रशिया के साथ जो पॉलिसी इंडिया की या डिफेंस रिलेशन है उसको लेकर यूएसए इंडिया के काउंटर में रहता है। तो मतलब यूएसए वो भी और पूरे विश्व में आप देख सकते हो कि कई जगह सपोर्ट कई जगह अपोजिशन ऐसा काम चल रहा है। तो एक कंप्लीट पूरे वर्ल्ड की जो डायमेंशन है वो यहाँ पे राइटर के द्वारा एक तरीके से ओवरव्यू दिया गया है, तो हमने उनको यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है जुडिशरी के बारे में। इस आर्टिकल में बेसिकली ये बताया गया है, देखो आपको मोटा मोटा बताऊं तो, कि कोलिजियम सिस्टम के तहत सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट में जो अपॉइंटमेंट की जाती है इसके बाद इश्यू आ रहा है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, कि देखो भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वैकेंसीज हैं वो लगभग 23% वैकेंसीज हैं यहाँ पे, सॉरी 23% जो वैकेंसीज है वो खाली पड़ी हैं। बात ये की जा रही है कि अपॉइंटमेंट है उसके अंदर गवर्नर की हेल्प ली जाती है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट वगैरह करनी हो तो। इसके बाद भी काफ़ी सारे जो केसेज हैं वो पेंडिंग पड़े हैं। तो राइटर ये बता रहे हैं कि देखो जुडिशरी के अंदर हमारे केस बहुत पेंडिंग पड़े हैं, गवर्नमेंट है वो अपॉइंटमेंट की तरफ कोई कदम बढ़ा नहीं रही है, इवन जो एग्जाम वगैरह भी कंडक्ट करवाए जाते हैं जुडिशरी के द्वारा वो भी काफ़ी डिले हो रहे हैं, एंड कोलिजियम सिस्टम में भी काफ़ी कुछ खामियां आ रही हैं, उसके साथ कोलिजियम के थ्रू अपॉइंटमेंट भी नहीं की जा रही हैं और केस लगातार बढ़ रहे हैं। तो ऐसे माहौल में हमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म लेके आने होंगे तभी सोल्यूशन सामने आएगा। जुडिशरी पर लगातार बर्डन बढ़ता जा रहा है, क्यों? क्योंकि वैकेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा खाली पड़ी हैं, केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसलिए हमें इस दिशा में कदम है वो बढ़ाने होंगे और जुडिशरी में हमें रिफॉर्म लेके आने होंगे। तो ये कुछ इसमें बेसिक 2-4 पॉइंट थे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, और जो पीडीएफ है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।